हाल ही में संसद में पास किए गए कानून को लेकर आज नीमच के प्राइवेट बस स्टैंड पर नीमच ट्रक बस ऑनर्स और ड्राइवर संघ ने आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में ट्रक बस मालिकों और ड्राइवरों ने सरकार द्वारा लाए गए कानून पर जमकर आक्रोश व्यक्त किया। संगठन का कहना है कि एक्सीडेंट होने के बाद भागने की स्थिति में ड्राइवर को 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माने का केंद्र सरकार का निर्णय किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। इस कानून से नाराज होकर ड्राइवर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। चूंकि एक्सीडेंट होने के बाद यदि ड्राइवर मौके पर रुकता है तो उसकी जान को खतरा है। सरकार का ये निर्णय उचित नहीं है। इस कानून के बाद लोगों के लिए ड्राइविंग का पेशा अपनाना मुश्किल हो जाएगा, जिससे देश की पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। बैठक में सरकार से कानून वापस लेने की मांग की गई है। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया है कि कल ज्ञापन सौंप कर विरोध जताया जाएगा। यदि मांगी नहीं मानी जाती है तो चरणबद्ध आंदोलन जारी रखेंगे। नियम लागू किए गए हैं। नए नियम के तहत अगर दुर्घटना होने पर वाहन चालक मौके से फरार हो जाता है, भाग जाता है, तो इसी स्थिति में वाहन चालक के विरुद्ध 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जो कि सरासर गलत है। इसमें जो वाहन चालक है, जो बस और ट्रक चला रहे हैं, उन लोगों में ज़्यादा खौफ है और इस खौफ के चलते आज सभी वाहन चालक जो बसें चला रहे हैं, जो ट्रक चला रहे हैं, उनने अपने वाहन खड़े कर दिए हैं, जिसमें मोटर मालिक उनका साथ दे रहे हैं। इस चीज़ के लिए कि आगे भी इसमें संशोधन किया जाए। गैर जमानती धाराओं को लेकर भी कहा कि जमानत नहीं होगी, इसको गैर जमानती धारा में कायक को कर दिया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हाँ, ये जो नया नियम लाया गया है 106, इसमें जो नियम बनाया गया है, इसमें जमानत नहीं होगी। मौके से अगर भागता है और अस्पताल नहीं ले जाता है पीड़ित को, तो इस स्थिति में उस ड्राइवर को बिना जमानत के 10 साल की सजा सुना दी। क्या बदलाव चाहते हैं बैठक हुई, क्या मांगे और कब तक आंदोलन चलेगा आपका? बदलाव ये चाहते हैं कि जो अनियमितता में चल रहा है ड्राइवर, जो नशा करके चल रहा है, वो अगर हिट एंड रन में आता है तो उसके ऊपर कायमी की जाए। सामान्य ड्राइवर जो अपनी सही दिशा में चल रहा है, उसके ऊपर इस तरह की कोई कानून लागू नहीं किया। आज हड़ताल है, आगामी कब तक रहेगी, क्या रूपरेखा बनाई आपकी? आज अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल है। इसमें ड्राइवर बंधु जो है हमारे, इन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया है कि जब तक इस संशोधन में, इस नियम में संशोधन नहीं होता है, तब तक आगे की कोई हम बस संचालन नहीं करेंगे। ज्ञापन को लेकर क्या क्या रूपरेखा है कल की? ज्ञापन कल सुबह 11 बजे वाहन रैली के रूप में जो है कलेक्टर ऑफिस पहुँच कर राष्ट्रपति के नाम पे ज्ञापन सौंपा जाएगा। आपका नाम और पद? मुकेश गुप्ता। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ आसिफ अली की रिपोर्ट।